नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना का खौफ एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र, केरल से राजस्थान आने वाले लोगों का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट यानी कि RT-PCR दिखानी जरूरी होगी। राजस्थान सरकार ने इन दिनों राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर इस तरह की पाबंदी लगा चुकी है। आपको बता दें, गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। CM निवास पर स्वास्थ्य अधिकारियों की इस बैठक में नए स्ट्रेन पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई। साथ ही में आपको बड़ी जानकारी दे दें, महाराष्ट्र में पिछले एक पखवाड़े में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हुआ है। यहां प्रतिदिन औसतन 4,000 से 5,000 केस आ रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों कुछ शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दोनों ही क्लास की परीक्षाएं 6 मई से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 12 दिन यानी कि 27 मई तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 24 दिन यानी कि 29 मई तक चलेगी। सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे के टाइम पर होगी। इस बार दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में 21.50 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। इससे पहले पिछले साल बोर्ड परीक्षा में 20.58 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। आपको जानकारी दे दे, COVID-19 को देखते हुए सिलेबस में लगभग 40% की कमी की गई है, यानी कि 60% सिलेबस से पेपर आएगा। वहीं कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक में 60% स्कूल नंबर देगा, बाकी 40% पेपर से नंबर लाने होंगे। वहीं 6 और 7-8वीं क्लास में 60% का ही पेपर होगा और 40% स्कूल नंबर देगा। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान में बिजली कंपनियों में निकाली गई 2370 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किए गए परीक्षा शुल्क को 400 रुपए तक घटा दिया है। लेकिन इसमें भी बेरोजगार युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इस राहत का लाभ केवल विभिन्न मंत्रालय पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ही मिलेगा। इंजीनियरिंग, सूचना सहायक, लेखाधिकारी और कार्मिक अधिकारी के पदों पर आवेदन करने वालों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो CM गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का बजट पेश किया था। बजट भाषण में पृष्ठ संख्या 10 को पढ़ना ही भूल गए थे। सदन में गहलोत ने भूली हुई घोषणाएं दोबारा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने से जुड़ी गहलोत ने बताया है कि नए ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के भवन निर्माण होंगे। 11,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। वहीं आपको बता दें, शाहपुरा, भीलवाड़ा, नोखा, बीकानेर, हिंडोन, करौली, सांगवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, नीमका थाना, सीकर, शिवगंज, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और प्रताप नगर, जोधपुर के चिकित्सा संस्थानों को जिला अस्पताल में कर्मोन्नत किया जाएगा। कुचामन सिटी, लाडनू, धौलपुर, कोलाइत, बीकानेर सहित 10 नवीन ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। तो यही थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।